एक तो उमस भरी गर्मी और ऊपर से अगर बिजली दाने गायब हो तो लोगों का सब्र तो जवाब देगा ही। आज यही आक्रोश का नजारा दिखा चास स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग के अधिकारी हाय हाय। चास नगर निगम के वार्ड संख्या 8 के हाजी नगर के निवासी आज चास स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जमकर हंगामा करने लगे। लोगों का आरोप है कि गत 15 दिनों से हाजी नगर में बिजली नहीं होने के कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। वहां लगे ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद बिजली की सप्लाई बंद पड़ी हुई है और विद्युत विभाग के अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं। लगातार ऑफिस का चक्कर लगा, हम तंग आ गए हैं तो हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। आज भी एसी साहब अपने कार्यालय से नदारद हैं। हमारी मांग है कि जल्द ही हमारे इलाके ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो हम इस कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। जब यह कार्यालय जनता की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो इसके यहाँ रहने का औचित्य क्या है? आए हैं क्योंकि 5 दिन से हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। 5 दिन से सारे परेशान हैं, यहाँ तक के वहाँ बेहोश होकर लेडीज भी, जेंट्स भी सब परेशान हो रहे हैं। एक लेडीज तो बेहोश हो गई है, हॉस्पिटलाइज हो गई है। जैसा कि हाजी नगर जो कि वार्ड नंबर 8 में पड़ता है, विगत 9 या 10 दिनों से वहाँ बिजली की काफ़ी परेशानी है, जिसके कारण ना तो मोटर में पानी छूट पा रहा है और ना ही आम लोगों की दिनचर्या में, जानते ही हम सब की दिनचर्या में कितना बड़ा आम भूमिका है बिजली। उस टाइम पे हमारे एसी साहब द्वारा जिनको कॉल किया गया तो कॉल पे बोलते हैं वो कि नहीं दिया जाएगा, नहीं आप लोग को जो करना है वो कर लीजिए। तो ये क्या एक सरकारी पद पर बैठे हुए विराजमान क्या बोलने का एक अधिकार दिया है? ये आम जनों की बात सुनने के लिए है या ये अपनी मनमानी चलाने के लिए? जैसा कि 10 बजे तक बैठे थे, 10 बजे से अभी तकरीबन 4 बजने चला है, लेकिन एसी साहब का यहाँ पता नहीं है। उनके वार्ता करने के लिए ना ही वो आ रहे थे, ना ही उनके द्वारे कोई छोटे पदाधिकारी आ रहे थे। जब हम लोग ने एक कठोर आंदोलन मतलब बैठने का फैसला लिया तब वो उनके छोटे अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है आज शाम तक आपको दे दिया जाएगा, लेकिन डेली डेली यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है और ना किन दिया जा रहा है। जब तक आज मिलेगा नहीं ट्रांसफार्मर तब तक हम लोग भी कहीं हिलने वाले हैं नहीं, और जाकर हाजी नगर का एक एक तार को चेंज किया जाए क्योंकि तार बहुत जर्जर स्थिति में आए, हो सकता है कल दिन ये बहुत बड़ी घटना घट सकती है। जिस हिसाब से वहाँ का तार झूल रहा है गिरने पे हमारे द्वारा आज बोला जा रहा है, अगर ये कहीं घटना घटी तो यह सारी जवाबदारी बिजली ऑफिस और एसी साहब की होगी। यहाँ पर सभी छात्र हैं, काम करने वाली माताओं हैं, सब आए हैं। देखिए घर का रसोई छोड़ के आए हैं। जिस दिन मातृशक्ति घर से बाहर निकल जाए समझ लीजिएगा कोई आपदा बड़ा है। बीते 15 दिन से लाइन नहीं, ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, 4 दिन से ये लोग आ रहे हैं, ठगा जा रहा है। एसी सर अधिकारी अपराधी का रूप लेके बैठा हुआ है, फोन काट देते हैं, धमकी देते हैं, जो करना है करो, नया ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। दूसरा बात कहा जाता है कि अगर हम लोगों को कोई 8 दिन से लाइन नहीं है, हम लोग को ट्रॉली की व्यवस्था कर दिए तो ट्रॉली लगा हुआ है। तो हम लोग कहने आए थे कि सर दे दीजिए, तो सर का कहना था कि नहीं मिलेगा, जो करना है कर लीजिए। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि ताला बंद कर देंगे सर।